അക്കിതം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി വർത്തമാൻ മലയാളം സാഹിത്യത്തിലെ സർവാധിക പ്രശംസിത ലേഖകൻ അക്കിതം കാ ജന്മ 18 മാർച്ച് 1926 കോ കുമാരനല്ലൂർ ജില്ല പാലക്കാട് കേരള മേ ഹുവാ ഇൻകെ പിതാ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ഓർ മാതാ പാർവതി അന്തർജനം ഹൈ ഇൻകാ വിവാഹ ശ്രീദേവി അന്തർജനം സേ ഹുവാ നാരായൺ ഇൻകാ പുത്ര ഓർ ശ്രീജാ പുത്രി ഹൈ അക്കിതം കെ അധ്യയൻ കാ വിഷയ സംസ്കൃത ജ്യോതിഷ് ഓർ സംഗീത രഹാ ഹൈ जीवन के आरंभिक दिनों में पत्रिकाओं में संपादन का कार्य किया, फिर सन 1956 से लेकर सन 1975 तक ऑल इंडिया रेडियो में सेवारत रहे। लेखक के रूप में अकितम की ख्याति सन 1952 में इनकी कृति इरवदाम नूटांडिंडे इतिहासम और 1971 में बलिदर्शनम को प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार से हुआ। इसके बाद राज्य सर के कई सम्मान से वे सम्मानित हुए। सन 2012 में वाळेयार पुरस्कार, 2016 में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में एयुतचन पुरस्कार आदि। 2017 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2019 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित हुए। अक्किदम अच्युदन नंबूदिरी केरल के समकालीन महाकवि, निबंधकार, संपादक और साहित्यिक सम्मानों से सुसज्जित व्यक्तित्व के धनी हैं। अक्किदम एक निष्ठावंत एवं उत्कृष्ट साहित्यकार हैं। एक तरफ इनकी कविताओं में भारतीय दर्शन और नैतिक मूल्यों के प्रति गहरी संवेदना है, तो दूसरी तरफ परंपरा और आधुनिकता के बीच की दूरियों को पाटने का प्रयास है। मानवीय संवेदनाओं की खोज इनका प्रिय विषय रहा है। अक्किदम की 55 किताबें प्रकाशित हुई हैं। इनमें 45 कविता संग्रह हैं, जिनमें खंडकाव्य, कथाकाव्य, चित्रकाव्य और गीत सम्मिलित हैं। प्रमुख रचनाओं में वीरवादम, बलिदर्शनम, निमिषक्षेत्रम, अमृत खड़गम, इरवदाम नूटांडे इतिहासम, अक्किदम कविदगल, अंतिम महाकालम आदि हैं। इनकी कई कृतियों का भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी कविताओं में एक विशिष्ट भविष्य सूचक सामाजिक राजनैतिक चित्रण हुआ है। आधुनिक और विकास की पक्षधर कविताएं लिखी हैं। लेखन की भाषा सामान्य, सरल एवं सुबोध है। वे अपनी कविताओं में आधुनिकता के पोषक हैं। अक्किदम का कहना है, लेखक का मूल स्रोत आनंद है, लेखक और पाठक दोनों के लिए। महाकवि अक्किदम की सर्वाधिक प्रशंसित कविता इरवदाम नूटांडिंडे इतिहासम की कुछ पंक्तियों का अनुवाद करने का तुच्छ प्रयास किया है। पराये दर्द में भीगी आंसू की एक बूंद जो टपकी, मेरे अंदर हजारों सौर मंडल जाग उठे। दूसरों के सुख में जब भी मुस्कुराया, आत्मा में पूनम की चांदनी खिल उठी। आत्मा के दिव्य प्रकाश की अनभिज्ञता स्मरण कर बार बार रो उठता हूँ।